Assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm Muzaffar Teja. Umeed karta hu sare theek thaak honge. Another day, another vlog, another beautiful morning. Aaj 13 January 2022 hai. Jumerat da din hai. Aur eh week jada hai mera off week siga. Main pehle bhi das chuki hai pichle week Friday wale din main apni last job finish kiti hai. और ये वाला वीक मैं ऑफ लिया सीगा ते नेक्स्ट मंडे जिहड़ा हुण आउणा है 3-4 दिनां बाद उदों मैं अपनी नवी जॉब शुरू करनी है। मैं तुहानूं दस्सिया नहीं हैगा कि मैं किहड़े इदारे च काम करदा सीगा। आई थिंक टुडे इज़ द डे द वेट इज़ ओवर। अज दी वीडियो दे विच तुहानूं इह वी दस्सांगे कि मैं किहड़े इदारे च काम करदा सी और मैं उहनूं क्यों छड्डिया। बेटे नूं मैं स्कूल ड्रॉप करता ते हुण मैं जिम जा रहा और काफ़ी अरसा तो ना जिम दे विच मैं बेयर मिनिमम ही कर रहा सीगा। जिहड़ा क्रॉस ट्रेनर उत्ते मैं तकरीबन 35 मिनट स्पेंड करदा तो काफ़ी अरसा तो मैं उही कर रहा सीगा। पता नहीं मूड नहीं सी बनता तो अज मैं कोशिश करनी है जिहड़े होर 2-3 आइटम मैं करता हुंदा सीगा अज उन्होंने भी करांगा। लो जी अज बेयर मिनिमम वाले सर्कल से निकल आए हैं। अज मैं क्रॉस ट्रेनर तो अलावा थोड़े थोड़े वो सारे वर्कआउट्स किए हैं जो मैं करता हूँ रूटीन के आहिस्ता आहिस्ता हम रूटीन के आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सारे वर्कआउट जो मैं नॉर्मली करता हूँ वो दोबारा करा करा। वर्कआउट करते हुए या जिंदगी दे किसी एक मुकाम के उत्ते थोड़ा फील हों कि यार दैट्स इट मैं बहुत थक गया हूँ इस तो अगे मैं एक कदम नहीं पुट सकता। जिंदगी का और वर्कआउट का वो मुकाम हों जिस तो बाद तुसी कितना कुछ कर दियो ये मैटर कर रहा उस पॉइंट पर आकर जिससे समझते हो ना कि यार बस मेरी बस हो गई है इस तो अगे मैं हर एक स्टेप नहीं चक सकता उस पॉइंट तो अगे तुसी कितनी एफर्ट करनी है वो मैटर करती है। आर्नल्ड श्वार्ज़ ने अगर एक स्टोरी सुना रहा है कहता मैं मुहम्मद अली नूं मिलिया मुहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर एवर वॉकड ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कहता मैं उन्होंने मिलिया तो सिटअप्स कर रहा सीगा जो लंबे पैके नहीं इदा करते होंगे कहता वो कर रहा सीगा तो कहता मैं उन्हें पूछा कि मुहम्मद तू किन्ने सेटअप्स कर लेना। मुहम्मद अली कहता कि मैं उदों तक काउंट करने नहीं शुरू करता जो तक मैं दर्द ना होने लग जाए जो दर्द होने लग जाता ना कहता उस तो बाद मैं गिनने शुरू करना किन्ने लगते हैं 10 लगन 20 लगन 25 50 100 जिन्हें भी लगन दर्द होने तो पहले पहले मैं जो करता मैं वो काउंट ही नहीं करता तो लिहाजा जो दर्द होने लग पे ना जो तुम कहो कि यार हाए बस मेरे तो इस तो बाद नहीं होना उस तो बाद तुसी की करना है वो थोड़ी कामयाबी का तयन करता है। क्वाइट रीसेंटली असं स्मूदीज बाय कीतियां सीगियां ते रियली नाइस यार इहदे च ना 3 फ्लेवरस ने नाम उन्होंने रखे हुए ने एनर्जी डीटॉक्स एंड डिफेंस बट डिफरेंट तिना दे विच ना डिफरेंट सैट्स ऑफ फ्रूट्स कंबीनेशन उन्होंने बनाए हुए हैं जो कि डिफरेंट किस्म की विटामिन एंड एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। रियली नाइस सो लैट्स मेक वन ऑफ दम टूडे। ये बेसिकली एक पाउच है जिसे फ्रूट वगैरह ने और दूसरा एक नाल पैक है ए वाला हर फ्रूट कंबीनेशन के एक इस किस्म का
पैकेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पुट 250 ml वाटर उहदे च। बेसिकली इन्हां दा 200 लिखिया लेकिन मैं कल 200 ट्राई कीता सी, ओह थोड़ा सी, इसलिए मैं कह रहा कि 250 ml। और पानी पाउण तों बाद फ्रूट पाउणे ने, और उस तों बाद आह सैशे एंड दैन ग्राइंड। सो लेट्स गो थ्रू फ्यू थिंग्स वेरी क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कीप सेइंग मैं जॉब चेंज की है। सो लास्ट वीक फ्राइडे में अपनी पुरानी जॉब फिनिश की है, और यह वीक में ऑफ लिया। नैक्सट मंडे तो मैं नवी जॉब शुरू करनी है। पुरानी जॉब मैं जी फिनिश की है, वह मैं करता सी एक बैंक के, जिंदा नाम है बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच इंटरनेशनल। बेसिकली यूके उन्होंने इन्वैसटमेंट डिवीजन है, इन्वैसटमेंट बैंकिंग डिवीजन। इतने रिटेल बैंकिंग उन्होंने नहीं हैगी। Great organization, great working environment, great team, great colleagues, बहुत अच्छा, everything very good, salaries, benefits, environment, जिहड़ी चीज़ तो तुसीं पुछो टॉप नॉच। क्वेश्चन पैदा हुंदा कि जी इन्ना ही सब कुछ चंगा इसते मैं क्यों छड्डी है। दरअसल ना हर बंदे दे सरकमस्टांसिस डिफरेंट हुंदे आ। बैंक ऑफ अमेरिका चेस्टर दे विच, और मैं रॉसडेल दे विच रहना, और 60 miles दी कम्यूट आ वन वे, 120 miles दिन दे। तो मैं तकरीबन पहले 2.5 साल किया हैप्पीली, मैं हाले भी माइंड नहीं करता, लेकिन जदों का कोविड आया ना, कोविड ने सानू रूशनास करवाया वर्किंग फ्रॉम होम दे नाल। सानू मतलब इस चीज़ का एहसास दवाया कि असी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और सेम क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर उस तो बाद जो मैं काम से गया ना, फिर मैं एहसास होया यार शायद मैं जो 3-4 घंटे कम्यूट के लाना ना, आई कैन पुट दोज आवर टू समथिंग मोर प्रोडक्टिव एंड एंटरटेनिंग। इस वास्ते फिर मैं सोचना शुरू किया कि यार कितने ना घर के करीब आइए। सो लकीली जी हम मैंने जॉब मिली है वह घर के करीब नहीं हैगी, बेसिकली घर के विच आ। मेरा मेन वर्क प्लेस है जी वो मेरा घर आ, तो जो जरूरत पेगी उदो कि मैं ऑफिस जावगा। एक छोटी जी एडवाइस, अगर थोड़ा मौका मिले बैंक ऑफ अमेरिका में काम करने का, दैन डोंट ब्लो इट, डोंट लैट इट गो। इट्स अ ग्रेट ऑर्गनाइजेशन, ग्रेट सैलरीज, ग्रेट इनवायरमेंट, ग्रेट बेनीफिट्स, एवरीथिंग टॉप नॉच। मैं पहले भी एक वीडियो बनाई थी गोल सैटिंग्स के उत्ते, ऑब्जेक्टिव्स के उत्ते फॉर न्यू ईयर 2022, लेकिन मैं इन डिटेल मैं थोड़े ना गल नहीं कर सकिया कि सानू प्रीडोमिनेंटली इस साल एटलीस्ट बेयर मिनिमम की करना चाहिए। टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव ओबियसली परसन टू परसन वेरी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर माई सैल्फ एंड दैन थोड़े वास्ते कि अगर तुम भी कोशिश करके इन्होंने चीज़ों पर अमल कर सको, दैन वी कैन हैव अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव ईयर। फर्स्ट थिंग आई वुड से फोकस। फोकस एक ऐसी चीज़ है जी एज अ सोसाइटी, एज अ ग्लोबल कम्यूनिटी असी ना लूज कर चुके हैं। असी दरअसल घिरे हुए हैं ऐसे गैजट्स के जिन्होंने ना सानू अपना गुलाम बनाया होया, तो असी किसी चीज़ के उत्ते फोकस ही नहीं कर सकते। मिसाल लैने मोबाइल फोन की, मोबाइल फोन के बहुत सारे नैगेटिव यूजेज भी ने, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव भी ने। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई पॉजिटिव चीज़ देखने वास्ते फोन चुको, तो वो उत्ते एक नोटिफिकेशन वट्सएप से आया हों, एक फेसबुक से, 2-3 ट्विटर से, 2-3 इंस्टाग्राम से, तुम 15-20 मिनट उन्होंने चीज़ों को चैक करने ला दें, और 15-20 मिनट बाद थोड़ा रियलाइज़ हों कि यार मैं जेडे काम लिए चकिया से वो तो मैं किया ही नहीं, तो हाईली लाइकली जेडे काम लिए चुकया हों भुल ही चुके होंगे। इदा अपना बहुत टाइम ज़ाया हों, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ और बहुत सारे प्रोडक्टिव चीज़ा चीज़ा जिहड़ियां ज़हन दे विच आईयां हुंदियां ने, दैट गोज़ इन टू वेस्ट। लिहाजा फोकस इंप्रूव करन ते जोर दिओ इस साल दे विच। उहनूं असीं किद्दां कर सकदे हां, प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो अपनी, शुरू करो कि अद्धा घंटा मैं फोन नहीं इस्तेमाल करना। उस अद्धे घंटे दौरान अपना फोन किधर दूर रख दो, बैडरूम च रख के आओ, लिविंग रूम च बैठे रहो, किचन च रख दो, बैडरूम चले जाओ। इदां करके ना बाय फोर्स
कीप योर सैल्फ अवे फ्रॉम योर फोन, शुरू करो अद्धे घंटे तो फिर उन्होंने इनक्रीज़ करते रहो और इस पोजिशन पर आ जाओ कि थोनों ये फील ना हो कि तुम अपने उस गैजेट के गुलाम हो। जदों तुम यह कंटीन्यूअसली काम करते रहोगे और थोड़ा टाइम पीरियड इनक्रीज़ होता रहेगा तो थोड़ा फोकस भी इंपरूव होएगा। तुम जिहड़ी चीज़ करो करिया करोगे उन्हों पूरी तवज्जो दे नाल करोगे और एक सिटिंग दे विच और जो भी उसकी डेडिकेटेड ड्यूरेशन बनती है करन दी उस चीज़ों करके फर्क कर दिया करोगे। दूसरे नंबर से मैं कहूँगा कि लोगों वास्ते काम करो, दूसरे लोगों वास्ते काम करो। असी मुसलमान अस तो बिलीव रखते हैं कि इन्ना वाला अमल बिन नियत, कि हर अमल का दारोमदार नियत है। तुम पढ़ाई करनी है तो यह सोच के ना करो कि मैं पढ़ाई पढ़ लिख जावगा तो मैं वड्डा अफसर लग जाऊँगा तो चंगी कमाई करा। इस नीयत ना करो कि मैं पढ़ लिख जावगा तो मैं जनाब इंसानियत की खिदमत करा, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनागा। इस वास्ते नहीं कि डॉक्टर की तनखावं अच्छी ने, इस वास्ते कि मैं इंसानियत की खिदमत करा। मैं इंजीनियर बनागा, मैं जनाब ऐसिया मजबूत और जदीद किस्म दी इमारत बनावगा जिद नाल अज जे इंसीडेंट्स होंगे ने बेचारे मजलूम लोग अपनी जान जाते हैं उन्होंने मैं बचा सकागा। इस किस्म की सोच के नाल मतलब जो भी तुसी काम करना वह अल्टीमेटली फायदा तुहानू भी होना, बट जी नीयत होवेटी वो ये होनी चाहिए है कि मैं दूसरे वास्ते काम करना। मिसाल के तौर पर अगर एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के उत्ते वीडियोज़ वो बनाओ जिहड़ियां दूसरे लोगों को बेनीफिट देन। मैं अगर वीडियोज़ बनाव अपने वास्ते, मैं दसा जी मैं बहुत जनाब कंपीटेंट हाँ, मैं आ करदा, मैं आओ करदा, मैं जिम चला जाना, मैं समूदियाँ पी लैंना, मैं आमलेट बना लैंना, उहदा किसी होर नूं की फायदा। अगर कोई काम करना है स्पैशली अगर यूट्यूब के उत्ते अगर फोकस करके मैं कह दैन इस किस्म दी वीडियोज़ होनी चाहिए जिहड़ियां दूसरे लोगों वास्ते फायदेमंद हो सकन। नंबर तीन मैं कहूँगा कि किताब पढ़िया करो, कोई किताब पढ़ो, किसी भी किस्म की रिलीजियस कुरान हदीस नावल अफसाना जो भी थोड़ा मिलता है पढ़िया करो। जिन्होंने किताबा लिखिया ने ना उन्होंने अपने एक्सपीरियंसिस आइडियाज सारे उन्होंने किताबों के बंद किए हैं। तुम जो किताबा पढ़ोगे ना तो आइडियाज आने अपना काम बेहतर बनाने वास्ते, अपनी क्रिएटिविटी इंपरूव करने वास्ते और अपना स्किल सैट इंपरूव करने वास्ते। साडा देसियां दा बहसीयत नेशन एक अलमिया आ कि असी पढ़ते नहीं है। बहुत अरसा पहले टीवी के उत्ते एक बंदे ने कहा सीगा, कहिंदा अगर एक जहाज़ दे विच तुसी बैठे हो ना और उस जहाज़ दे विच 250 बंदा है तो सिर्फ दो बंदे कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो दो बंदे गैर मुल्की होंगे। मतलब सानू पाकिस्तानियों देसियों नू यह शौक ही नहीं है कि असी बुक पढ़िए कोई, लिहाजा बुक्स पढ़िया करो। इस साल दे विच अपना टारगेट बनाओ कि तुसी एक दो तीन चार पाँच जिन्नियां भी तुसी कर सकते हो उन्नियां बुक्स पढ़ो। डजंट मैटर कैसियां बुक्स होन, कुरान हदीस हो सकता है अपने आप को इंपरूव करने वास्ते, अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाने वास्ते। इकबाल को पढ़ो, इकबाल ने की कुछ लिख छड़िया है, किड्डे किड्डे अजीम मुफक्कर और अफसाना निगार पाकिस्तान गुजरे ने उन्होंने पढ़ो। दे विल गिव यू आइडियाज़ कि तुसी अपने काम नू किदां इंप्रूव कर सकते हो, तुसी यूट्यूब दे कॉन्टेंट्स किदां अच्छा बना सकते हो, तुसी होर भी जिहड़ा भी काम करते हो उहनू तुसी किदां बेहतर बना सकते हो उहदे वास्ते तुसी आइडियाज़ कंसीव कर सकते हो। नंबर चार मैं कहांगा कि दौलत कदे अपने नाल खुशहाली नहीं लैके आउंदी, जरूरी नहीं है कि खुशहाली लैके आवे, लिहाजा दौलत दे पिछे ना दौड़ो। अगर तुसी ये समझते हो ना कि थोड़े को दौलत होएगी तो फिर तुसी खुशहाल हो जाओगे, तो जो बहुत सारे अमीर कबीर लोग ने वो फिर खुशहाल क्यों नहीं है। एक मैं हॉलीवुड के एक्टर नूं जानदा हां जिहड़ा यकीनन बहुत अमीर होएगा, वो जब खुदकुशी करके मर गया सीगा। एक फुटबॉलर नूं मैं यूके दे नूं जानदा हां जिहड़ा कि डेफिनेटली बहुत अमीर होएगा, उन्हें खुदकुशी कर ली सीगी। सो प्रूव इज कि दौलत कदे खुशहाली अपने नाल नहीं लैके आउंदी। ठीक है अपनी जरूरत वास्ते उन्होंने इनाम अर्न करने की कोशिश करो, लेकिन ये ना सोचो कि अगर दौलत होगी तो मैं खुशहाल हो जाऊँगा। पंजवें नंबर तो मैं कहूँगा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज़ द की। अपनी जिंदगी दे विच कोई भी ऐसी चीज़ नू पुट ऑफ ना करो कि मैं जनाब कल करांगा, मैं अज मैं आह मसला, मैं परसों करांगा अज मैं आह मसला। जो तुम करना चाहते हो ना डू इट, स्टार्ट लिविंग, अपनी जिंदगी नू इंजॉय करो। एक्सपीरियंस जो डिफरेंट तुम लै सकते हो इंजॉय कर सकते हो उन्होंने जरूर करो, स्टार्ट लिविंग, दैट्स वॉट आई मीन हेयर इन एक्सपीरियंस। इस साल इंशाल्लाह एज कंपेयर टू लास्ट टू ईयर 2020 एंड 2021 आई विल स्टार्ट लिविंग, सो शुड यू। नंबर छे के उत्ते मैं कहूँगा कि स्टार्ट। असी जिंदगी दे विच ना बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हर साल हर महीना हर दिन असी ये चीज़ कह के ना टाल मटोल करते रहने कि यार पता नहीं ये कामयाब होएगा कि नहीं होएगा, यार मैं अगर ये काम शुरू कर लिया तो मुमकिन है जनाब मेरे डिजायर्ड रिजल्ट मैं ना मिलन, यार और की कहेगा और की कहेगा, अगर मैं आ हो गया तो फिर की होएगा, ये हो गया तो फिर की होएगा। ये चीज़ा हमेशा नाल ही रहनिया ने। इफ यू वॉन्ट डू समथिंग मेक अ स्टार्ट। यूट्यूब के उत्ते एक वो चैनल आ थिंक मीडिया कहते हैं, उन्होंने एक कैच फ्रेज आ जिसे कहते हैं कि यू गॉट टू प्रेस द रिकॉर्ड बटन, जस्ट प्रेस द रिकॉर्ड बटन यार, स्टार्ट इट,
स्टार्ट इट, वट एवर यू डू यू नीड टू मेक अ स्टार्ट। जो स्टार्ट कर लोगे चीज़ा आपे बेहतर होंदिया जाणगियां। नंबर 7 मैं कहांगा कि ना पीपल, लोग तुहाडे रिश्तेदार, भैन भरा, मियाँ बीवी, वो मैटर करते हैं लाइफ दे विच दी मोस्ट। उन्होंने अहमियत दो, उन्होंने नाल वक्त गुजारो। किसी भी किस्म की मटीरियलिस्टिक बिजनेस वास्ते, किसी भी किस्म के मटीरियलिस्टिक टारगेट या अचीवमेंट वास्ते अपने रिश्तों को कदे दाव ते ना लाओ, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इन योर लाइफ। अपने बच्चों के नाल टाइम गुजारो, अपनी बीवी हसबेंड के नाल टाइम गुजारो, भैन भरावों के नाल, माँ वालदैन के नाल टाइम गुजारो, जिन्ना तुसीं कर सकते हो। तो इस साल लैस मेक एन ऑब्जेक्टिव कि असीं अपने रिश्तेदारों नूं, उन्हां लोगों नूं जिहड़े मोस्ट इंपोर्टेंट ने इन आवर लाइव, उन्हां नूं टाइम देवांगे और इंजॉय करांगे अपना टाइम उन्हां दे नाल। 8वें नंबर ते मैं कहांगा कि अगर तुसीं अपने काम नूं पसंद ही ना करदे, जो भी तुसीं नौकरी, बिजनेस या जॉब करदे हो, तां चेंज इट। लैस मेक अ गोल कि अगर असीं ऐसी सिचुएशन दे विच हैगे आ ते असीं उच्चों निकलांगे, उन्हूं चेंज करांगे और किसी ऐसी चीज़ की तलाश करांगे जिन्हों असीं पसंद करते हैं। जिम कैरी एक बहुत वड्डा हॉलीवुड का एक्टर आ, कॉमेडियन आ, बड़ी अच्छी अच्छी कॉमेडीज़ कीतियां ने उन्हें। वह एक दफा अपनी स्टोरी सुना रहा सीगा अपने बाप की, कहिंदा मेरा बाप एक्टर बनना चाहुंदा सीगा, लेकिन एक्टर बनन वास्ते एनी अनसर्टेनिटी आ, वह बेचारा उस अनसर्टेनिटी नूं नहीं टैकल कर सकिया और उन्हें सोचा कि लैस बीकम एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की सेफ जॉब हुंदी आ, बच्चे पाल जाएंगे, घर बन जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन की होया बेचारा, और अकाउंटेंट बनिया 10-12 साल बाद उन्हें नौकरी तो कढ़ दिता गया, किसी वजह तो बेचारे की सेविंग नहीं सी हैगी, 100 मसाइल के विचों गुजरिया, ही लॉस्ट हिज हाउस। जिम कैरी कहिंदा कि असीं सड़कों के उत्ते रातां गुजारियां। इतों देखो, उस बेचारे ने अपने करियर नू, अपनी लाइफ नू सिक्योर रखने वास्ते ना एक ऐसा काम शुरू किया जिन्हों वो पसंद नहीं सी करता, सिर्फ इस वास्ते शुरू किया कि वह सिक्योर आ, लेकिन होया कि ही स्टिल एंडेड अप ऑन द स्ट्रीट। सो अगर तुसी एक नापसंदीदा काम करके भी सड़कों पर धक्के खाने ना, सो दैन वाई नॉट डू समथिंग वट यू लाइक। अगर वह फेल हो गया तो तुसी सड़कों पर धक्के खाने पै गए थोनू, then what, at least you did what you loved doing. So that's why if you don't like your job, change it, do something what you like. 9वें नंबर ते मैं कहांगा कि अपना एक माइंडसेट बना लो कि तुहानू कुछ नहीं आंदा, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न। अगर तुसी किसी महफिल जाने हो, किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे विच जाने हो, किसी सर्कल ऑफ रिलेटिव्स दे विच जाने हो, किते भी जाने हो, इस माइंडसैट के नाल जाओ कि यार मैं कख नहीं आता तो मैं इन्हों तो लर्न करना है। अगर तुम इस माइंडसैट के नाल जाओगे ना, तो जो तुम उस महफल में छोड़ोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम उतो कुछ लर्न करके सीखोगे। अगर तुम इस वे दिमाग में जाओगे ना, बिग हैड के नाल, कि ना मैं सब कुछ आता, इन्हों तो ये मैं की सिखा सकते हैं, दैन तुम ना बेवकूफ तरीन इंसान होवोगे उस महफल है। वजह यह है कि अगर तुम समझते हो ना कि मैं सब कुछ सीख लिया हो, मैं हूँ होर किसी शायद की लड़ नहीं, तो यह मतलब है कि तुम ने अपने भांडे के उत्तर ढक्कन लाता, तो उन्होंने अच्छे तरीके से सील करता। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिन्हों ना शायद ही कोई बंदा ऑल सोर्ट्स ऑफ नॉलेज न गेन करे और उन्होंने टॉप नॉच जो लैवल है उत्थे तक पहुँच सके। इट्स इंपॉसिबल, मैं तो नहीं कदे देखिया या सुनिया कि कोई ऐसा बंदा हो। लिहाजा देर आर सो मैनी थिंग्स जिहड़ियां तुहानू नहीं आउंदियां, और इस माइंड सैट के नाल हर जगह पर जाओ, हर क्लास के, हर वर्क प्लेस से, हर ट्रेनिंग दे विच, कि मैं कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ इतों सीखना है। अगर तुम इदा जाओगे तो डेफिनेटली तुम उतो कुछ सीख के निकलोगे, थोड़ा करीयर डिवेलपमेंट होएगी, थोड़ी लर्निंग इंप्रूव होएगी, एवरीथिंग विल बी बैटर। फाइनली आई वुड से यार के वट एवर यू डू, वट एवर हैपन्स, डू नॉट गिव अप। गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन यार। अगर तुम एक बार ट्राई की फेल हो गए हो, दूई बार ट्राई की फेल हो गए हो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। Giving up is not an option. Whatever you do, whatever happens, do not give up. Not in 2022, not in 23, not in 24, not until the end of time. Keep trying, keep trying. उम्मीद करता थोनू आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऑलमोस्ट मैं अपनी समूदी खत्म कर ली है, मैं हूँ जाके अपना ब्रेकफास्ट बनाना है और तुहाडे नाल मुलाकात होगी अगली वीडियो दे विच। अगर थोनू वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और अगर चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर लो। थोड़े मुलाकात हो अगली वीडियो के, उदों तक अल्लाह हाफिज़।